खबर जनपद गोंडा से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा में कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, आजादी के बाद सर्वाधिक इस देश को बर्बाद करने के लिए जिस पार्टी ने काम किया हो उसे आज देश की जनता जरूर जवाब देगी। बताते चले कि उन्होंने कहा कि 12 लाख करोड़ का घोटाला सपा बसपा गठबंधन से केंद्र सरकार चलाने वाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर करने वाली सरकार ने किया है और इसका जवाब सरकार जरूर देगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो भी बात मोदी जी के लिए बोलते हैं फिर बाद में उसके लिए न्यायालय में जाकर माफी भी मांगते हैं। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के इशारे पर चलने वाली सरकार ने किया था, उसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा, देश की जनता उनको दे सर अभी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और जनता के सामने चौकीदार मकारी नहीं चलती। ये उस बयान उस इंटरव्यू पे दिया है जो अक्षय कुमार ने राहुल गांधी का माननीय प्रधानमंत्री जी का लिया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो भी भाषा का प्रयोग श्री राहुल गांधी जी करते हैं फिर उसके लिए सर्वोच्च अदालत में जाके क्षमा भी मांगते हैं और मैं समझता हूं उनकी हर गाली का जवाब इस देश की 130 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश सहित हर राज्य में दे रही है। चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी